20 साल से शुगर थी, इंसुलिन लगवाते थे। वो मेरे फेसबुक के ऊपर डॉक्टर साहब का मैंने ऐड देखा था, तो मैंने भी रब्ता किया, मैं आया और डॉक्टर साहब ने एक ही खुराक से, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक ही खुराक से मेरी इंसुलिन खत्म हो गई। तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर स्टार्ट हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने मैंने इंसुलिन की देखा देखा भी नहीं। ना मधुबन सल्ली अल्लाह रसूल करीम अम्मा बात को तो बिल्लाह इन्हें शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। पिछली वीडियो मैंने बनाई उस पर मैंने कहा था ये हमारी आज की आखिरी वीडियो है, मगर उसके बाद अरशद भाई तशरीफ ले आए जो कि सऊदी अरब में होते हैं और इन्होंने 5 दफ़ा दवा ली थी, मुझे तो ये याद भी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शुगर ख़त्म हो गई थी 5 दफ़ा में। और बाकी डिटेल में इनको अपनी याद होगी, हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इनका नाम अरशद है, नॉर्थ कराची, कराची में रहते थे। 8 वीडियो बनाई है इसके, फोकस कीजिएगा। 8 अप्रैल को फर्स्ट टाइम ये हमारे पास आए थे, उसके बाद जो इन्होंने 4 विजिट किए थे वो मौजूद है, इनकी पूरी डिटेल यहाँ शुगर की मौजूद है। आज भी तकरीबन इनको आए हुए हमारे पास 3 महीने बाद ये आए, 31 अगस्त है, और रैंडम इनकी बगैर किसी अंग्रेजी दवा के कंट्रोल शुगर 249 है, 250 नॉर्मल होती है, मगर कुछ कॉम्प्लिकेशन लेकर आए हैं। एक मसला हो गया क्योंकि वो मसला भी अंग्रेजी दवा की वजह से हुआ कि इन्होंने जब अपना यूरिया क्रिएटिनिन चेक करवाया है तो 5.5 आया है, तो उसमें इनको पैरों की सूजन और चीजें हुई। तो हम शुरू से लेके चलते हैं कि इनको शुगर थी, 20 साल से शुगर थी, इंसुलिन लगवाते थे, कहाँ से कहानी शुरू हुई, 20 साल की कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। डिटेल में बताइएगा वेरी फर्स्ट डे कब शुगर का पता चला, क्या क्या इलाज हुए, कहाँ कहाँ घूमे फिरे, क्या क्या, पूरी डिटेल बताइए। 20 साल पहले शुगर हुई, फर्स्ट टाइम जो शुगर 350 आई थी मेरी। अल्लाह, अच्छा, उसके बाद फिर वो गैड्रियल और पता नहीं कौन कौन सी टेबलेट्स डॉक्टर्स ने मुझे इस्तेमाल करवाई। उसके बाद फिर मुझे खींच के ले आए इंसुलिन के ऊपर, ये जी इंसुलिन आखिरी इलाज है, और 2.5 साल मैंने इंसुलिन लगाई। तकरीबन कितने कितने पॉइंट? 40 यूनिट शाम में सुबह लेता था और शाम में 30 यूनिट। उसके बाद मैंने कोशिश की खुद से छोड़ने की कि मैं छोड़ दूं, और गेटिल हाईपारो भी ली मैंने, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं आई, बल्कि वो ऐसे लगता था जैसे रुक गई है, 250-300 के ऊपर, 350 पर रुकी हुई है, तो मजबूरन मुझे इंसुलिन लेनी पड़ती थी। वो मेरे फेसबुक के ऊपर डॉक्टर साहब का मैंने ऐड देखा था, तो मैंने भी रब्ता किया, मैं आया और डॉक्टर साहब ने एक ही खुराक से, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक ही खुराक से मेरी इंसुलिन ख़त्म हो गई। सुबह जब मैंने शुगर चेक की अपनी तो 55 आई थी, डबल डोज थी। उसके बाद रोज़ाना 70, 80, 90 इस तरह चल रही थी शुगर, मतलब मुझे इंसुलिन जरूरत नहीं पड़ रही थी, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी थी। ये अल्लाह तेरा शुक्र कि जो मेरी जान छुट गई इंसुलिन से, और आज तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर स्टार्ट हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने मैंने इंसुलिन की देखा देखा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब इंसुलिन लगाते थे, अंग्रेजी ओरल दवा लेते थे, जिस्म की क्या कैफियत थी, जब वो बंद करवा दी जिस्म की क्या कैफियत है, और जब लबलबा आपका बिल्कुल ठीक था, आज भी तो बगैर तो ओरल इंसुलिन क्यों दी गई इंजेक्टेबल, आपको क्या कहेंगे इस सारी बात के हवाले से आप? हाँ डॉक्टर साहब, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, इंसुलिन जो लेनी पड़ी ना डॉक्टर, मैंने जो शुगर चेक करवाई डॉक्टर के पास गया था मैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रही है, तो कहेंगे यार आपको 20 साल हो गए, तो आपको इंसुलिन, आप दवाई को जान छोड़ दें, आप इंसुलिन कर जाइए, आप ऊपर से लेना पड़ेगा आपको। डरा दिया उसने, या तो मुझे शायद कि मैं खौफ से मैंने ले ली मैंने इंसुलिन, लेकिन नहीं, आपने गलत साबित कर दिया इस बात नहीं, को, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, आपने गलत साबित कर दिया कि नहीं। लोग वहाँ पे भी जो लोग देखते हैं गल्फ में, यूरोप में, बाहर देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मरीजों को भेजते हैं, आप लोगों की वजह से पाकिस्तान के मीडिया चैनल हमारे पीछे लग गए हैं कि आप हमारे भी मॉर्निंग शो में आए, हमारे लिए भी प्रोग्राम करें, मगर वक्त की कमी की वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे। उम्मीद है कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, हमारे लिए दुआ भी कर ली होगी, तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए दुआ कर ली होगी, तमाम आने वाले नाज़रीन के लिए दुआ कर ली होगी, हमारे अरशद भाई के लिए दुआ कर ली होगी। फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे,
आप हंसेंगे, हम हंसेंगे। अस्सलाम वालेकुम।